और बार बार ट्राई कर रहे हैं कि एक ही हेड शॉट से यहाँ पर जो है इसका मुख्तसर करते हैं। ओ माय गॉड, फोर्टी पे भी ओ बहुत ही जबरदस्त दोनों प्लेयर की जानिब से हेड शॉट। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ गेमिंग ट्रेंड। तो भाई लोग कैसे हो सब लोग, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास मजे में। सो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट 1v1 देखा, यहां पर एम बॉट जो है फास्टर पाकिस्तान के 1v1 के प्लेयर जो है स्पैरो एफएफ के साथ प्ले करते हुए दिखाई दिए थे, और अब यहां पर जो है वन ऑफ द बेस्ट पीसी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान मारखोर वर्सेस एम बॉट एक्स यहां पर जो है प्ले करा जाने वाला है। सो देखते हैं यहां पर जो है दोनों पीसी प्लेयर्स में से कौन यहां पर जो है 1v1 में एक दूसरे को यहां पर हराता है, और कौन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हेल शॉट मारता है, और कितने मार्जिन से यहाँ पर जो है एम बॉट विन करने वाला है या फिर मारखोर विन करने वाला है। सो यहाँ पर जो है राउंड नंबर 1 जो है स्टार्ट हो चुका है, मारखोर द बेस्ट पीसी प्लेयर वर्सेस एम बॉट एक्स, जो कि न्यू अभी जो है लोगों की नज़रों के सामने आना शुरू हुए हैं। सो यहाँ पर जो डेजर्ट ईगल का इस्तेमाल एम बॉट एक्स की जानब से देखने को मिलने वाला है, और मारखोर की जानब से भी डेजर्ट ईगल ले ली गई है। जो तो चैनल पे न्यू और आप लोग जो है फर्स्ट 1v1 नहीं देखा, वो लाजमी फर्स्ट 1v1 भी स्पैरो वर्सेस एम बॉट एक्स भी वॉच करना, और यहाँ पर जो है ये भी वॉच करने के बाद वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपका फेवरेट हेल्थ शॉट कौन सा रहने वाला है यहाँ पर। और जो है लाइक टारगेट हम लोग जो है इस वाली वीडियो का 300 लाइक्स रखने वाले हैं। तो गाइस 300 लाइक्स आप लोगों ने करवा देने हैं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लाजमी सेट कर देना। तो यहाँ पर 1v1 मारखोर वर्सेस एम बॉट एक्स यहाँ पर हो चुका है स्टार्ट, और एम बॉट को यहाँ पर जो है फर्स्ट बॉडी शॉट भी लग गया है। सो देखना ये होगा क्या एम बॉट यहाँ पर हेल्थ शॉट मार पाएंगे फर्स्ट वाला या नहीं। यहाँ पे मारखोर अपनी तरफ से भरपूर ट्राई करते हुए, और अगेन दोनों साइड से शॉट मिस होते हुए। ग्लू वॉल स्पीड आप यहाँ पर जो है दोनों प्लेयर्स की चेक कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त ग्लू वॉल स्पीड, और मारखोर की मेरे को जो है लिटिल बिट 1% आई थिंक ज़्यादा लग रही है ग्लू वॉल स्पीड, शायद 1% यहाँ पर जो है मारखोर की ज़्यादा है एम बॉट से। और यहाँ पर 272 का हेड शॉट मारखोर की जानिब से लगा दिया गया है, और साथ ही अलॉक का यूज़ यहाँ पर जो है एम बॉट को जो है थोड़ा सा खतरा, और लेकिन यहाँ पर मेडिकेट कर ली गई है। सो होपफुली यहाँ पर जो है एम बॉट जो है कम बैक कर पाए, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर जो है स्टार्ट मारखोर की जानिब से काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर सेकेंड एक और हेड शॉट मारखोर ने लगा दी, और फर्स्ट राउंड यहाँ पर मारखोर जो है अपने नाम कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सेकंड राउंड में क्या होने वाला है, क्या एम बॉट यहाँ पर 1v1 सिचुएशन बराबर करते हैं कि नहीं। और यहाँ पर जो है दो नाली एंड M10 दो वेपन एक साथ इस्तेमाल करते हुए मारखोर, और इस मरतबा फर्स्ट हेल शॉट एम बॉट की जानिब से हेलमेट यहाँ पर उड़ा दिया गया है। क्या यहाँ पर सेकंड मार पाएंगे कि नहीं, मारखोर ने यहाँ पर अपने आप को सर्कल करा हुआ है, और मेडिकेट यहाँ पर करी जा रही है। 150 HP कम थी, और अब यहाँ पर आई थिंक 40 HP। ओह अगेन यहाँ पर जो है आई थिंक हेड शॉट कनेक्ट हुआ है, लेकिन सही वाला कनेक्ट नहीं हो पाया। सो यहाँ पर जो दोनों प्लेयर्स की जानिब से अगेन एक दूसरे को स्पेस दी जा रही है ताकि जोन से कोई एलिमिनेट ना हो पाए, और यहाँ पर मारखोर ओनली अगर यहाँ पर एक और वन टैप पड़ता है मारखोर को, तो मारखोर ये वाला राउंड हार सकते हैं। लेकिन अगर मारखोर जैसे अपने गेम स्टाइल करते हैं वही वाला अगर सीन, यहाँ पर एक और बॉडी शॉट मारखोर की जानिब से, अगेन बॉडी, बॉडी अब यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट जो है 1-1 बुलेट है। कोई भी अगर पहले हेल मारता है, कोई भी यानी कि पहले खोपड़ी उड़ाता है यहाँ पर, सो दूसरा बंदा जो है जीत जाएगा, जो पहले यहाँ पर जो है खोपड़ी उड़ाएगा वो विन करेगा। सो देखना ये होगा कि ओहो यहाँ पर जो है हेड शॉट देखने को मिला, लेकिन फुल रेड नहीं हुआ, फुल रेड नहीं कर पाए यहाँ पर जो है एम बॉट एक्स, लेकिन 100 HP अभी मारखोर की रहती है। सो देखना ये होगा क्या मारखोर यहाँ पर जो है लगातार 3 राउंड विन कर पाएंगे कि नहीं, और यहाँ पर मारखोर ने लगातार 3 राउंड की हैट्रिक मार दी है एम बॉट की जानिब से। लेकिन देखना होगा क्या मारखोर पहले मारेंगे या फिर अगेन बॉडी शॉट यहाँ पर मारखोर की जानिब से 42 का डेजर्ट ईगल का, और यहाँ पर एम बॉट की जानिब से अब मेडिकेट करी जा रही है। क्या यहाँ पर एम बॉट अपना जलवा दिखाएंगे, और 50-50 के दो हेड लगे हैं, लेकिन सही से कनेक्ट नहीं हो पाया, रेड हुआ था लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में थे, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बुलेट्स यहाँ पर जो है मिस होते हुए दिखाई देते हैं एम बॉट की। लेकिन मारखोर जो है अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी शॉट, अगेन 77 का हेड एम बॉट एक्स की जानिब से, एम बॉट एक्स यहाँ पर कम बैक करते हुए राउंड नंबर 4 में। ओके यहाँ पर बॉडी शॉट जो है एम बॉट की जानिब से भी देखने को मिला,
ये वाला फूल गायब था, शंट शॉट खतरनाक। यहाँ पर जो है एम बॉट एक्स ने राउंड नंबर 4 विन करा है, एक राउंड यानी कि अपना फर्स्ट राउंड एम बॉट एक्स ने रिसेंटली विन करा है। यहाँ पे मार्क 4 के अगेंस्ट एम बॉट एक्स प्ले करते हुए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट पीसी प्लेयर ऑफ पाकिस्तान है, और बहुत ही ज्यादा मैचेस यहाँ पर जो है मार्क 4 ने इंडियन रीजन में अदर सर्वर्स में भी प्ले करे और काफी ज्यादा विन्स भी करे हैं, बल्कि ज्यादातर ही विन्स करे हैं मार्क 4 ने। तो देखना ये होगा क्या यहाँ पर एम बॉट के अगेंस्ट यहाँ पर विन कर पाएंगे या फिर एम बॉट एक्स यहाँ पर जो है कम बैक करेगा। सो एम बॉट एक्स ने अभी एक ही राउंड विन करा है, और यहाँ पर फर्स्ट बॉडी शॉट एम बॉट एक्स की जानिब से, इस मरतबा स्टार्ट अच्छा नहीं ले पाया यहाँ पर एम बॉट एक्स। ओके, मार्क 4 को यहाँ पर हेड शॉट चिपका दिया गया है बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर 460 का, और यहाँ पर दोनों मेडिकेट्स एंड एलॉक सब कुछ यूज करना पड़ेगा मार्क 4 को। मार्क 4 यहाँ पर वेपन भी सिर्फ सिंगल ही लाए। ओके, यहाँ पर दोनों मेडिकेट यूज कर ली गई हैं। एम बॉट एक्स यहाँ पर जो है क्लॉक टावर वाले राउंड में स्टार्टिंग में आते साथ ही जबरदस्त किस्म का हेडशॉट चिपकाया, और यार हम लोग उस टाइम मार्क 4 को इसके, ओके यहाँ पर 63 का एक और हेडशॉट मेरे ख्याल से अब लास्ट बुलेट है। अब बॉडी भी अगर गलती से लग गई यहाँ पर एम बॉट की तो मार्क 4 को यहाँ पर डिफीट कर देंगे। यस, यहाँ पर जो है मेरे को लग रहा था क्योंकि बॉडी ही लग जाएगी फर्स्ट, यहाँ पर जो है बहुत ही जबरदस्त जो है 470 का ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है हेडशॉट लगाया था क्लॉक टावर वाले राउंड में। बैक टू बैक यहाँ पर एम बॉट भी दो राउंड विन कर चुके हैं, और यहाँ पर फुल ग्लू वॉल स्पिन का, ओके यहाँ पर फास्ट हेडशॉट मार्क 4 की जानिब से, आई थिंक यहाँ पर जो है 300 HP, यस ऑलमोस्ट 300 HP यहाँ पर जो है डाउन कर दी गई है मार्क 4 की, सॉरी एम बॉट एक्स से इधर उधर निकल जाते हैं। यहाँ पर मेरे को लग रहा है इस वाले राउंड में मार्क 4 फुल मूड में, ओके यहाँ पर हेडशॉट लगा दिया गया है ऑलमोस्ट 150 का डैमेज, बल्कि उससे भी ज्यादा आई थिंक यहाँ पर एम बॉट एक्स की जानिब से M10 का, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में ज्यादा सही से कनेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर ओनली दो ही बुलेट्स थी जो कि 78 हेडशॉट पे लगी थी, तो एक गंदा वाला हेडशॉट जो कि फुल रेड होना चाहिए यहाँ पर पीसीबी प्लेयर को मारने के लिए काफी होगा, क्योंकि दोनों प्लेयर्स के यहाँ पर हेलमेट नहीं है, दोनों प्लेयर के हेलमेट नहीं है। अगर एक भी हेल्थ शॉट यहाँ पर सही वाला कनेक्ट हुआ या एम बॉट का या मार्क 4 का या M10 का या दो नाली का, तो यहाँ पर जो है वो प्लेयर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेयर्स के बाद यहाँ पर अब हेलमेट वाला यानी कि सेकंड बुलेट का चांस नहीं है। और यहाँ पर बॉडी शॉट मार्क 4 की जानब से लगा दिया गया है, दोनों प्लेयर की जानब से एक एक बॉडी शॉट, एंड मार्क 4 की जानब से USP का इस्तेमाल यहाँ पर जो है थोड़ा सा हैरान कुन था। अगेन यहाँ पर बॉडी ही लगा, ओ मार्क 4 का ये वाला क्लोज रेंज में काफी ज्यादा ओपी था। कौन यहाँ पर राउंड नंबर 7 विन करेगा, क्या यहाँ पर फिफ्थ राउंड मार्क 4 विन करेंगे या फिर एम बॉट अपना थर्ड राउंड यहाँ पर विन करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एक और बॉडी शॉट एम बॉट की जानिब से, और यहाँ पर मार्क 4 की जानिब से मारे जा रहे हैं एमोट। ओके, इस मरतबा यहाँ पर जो है मार्क 4 की बेस्ट भी, ओ बहुत ही जबरदस्त दोनों प्लेयर की जानिब से हेडशॉट, मार्क 4 का भी कनेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो है 350 HP डाउन हुई एम बॉट की, लेकिन एम बॉट ने उसके बाद जब कनेक्ट करा हेडशॉट, सो यहाँ पर जो है मार्क 4 हमारे दरमियान नहीं रहे, और राउंड नंबर 3 यहाँ पर जो है एम बॉट अपना विन कर चुके हैं। एम बॉट वर्सेस मार्क 4 यहाँ पर चलता हुआ, और यहाँ पर इस वाले राउंड में स्टार्ट में एम बॉट काफी ज्यादा जो है गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, स्टार्ट में डैमेज उसके बाद हेडशॉट भी छोटा सा देखने को मिला एम बॉट की जानिब से, लेकिन यहाँ पर मार्क 4 अपनी मूवमेंट से बार बार डॉच करते हुए, ओह माय गॉड, ये वाला बहुत ही ओपी था, बहुत ही क्लोज रेंज, और लगातार ये जो है पूरी पूरी 500 HP एक साथ ही चली गई यहाँ पर मार्क 4 की जानिब से, हेडशॉट तो देखने को मिला है। ओके, 67 का बॉडी शॉट यहाँ पर जो है एम बॉट की जानिब से, और यहाँ पर जो है ओह माय गॉड, एम बॉट ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है बहुत ही जबरदस्त हेडशॉट, और इस मरतबा 450 HP स्टार्ट में आते साथ मार्क 4 की डाउन कर दी, और दोनों मेडिकेटर एलॉग यूज करते हुए यहाँ पर मार्क 4 ने अपने आप को कर लिया सर्कल, और एम बॉट बायर फुल HP के साथ मार्क 4 का वेट करते हुए, क्या अगेन हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। अगर प्रीवियस राउंड वाला यहाँ पर मार्क 4 ने हेडशॉट मारा तो यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी एम बॉट के लिए, क्योंकि फिर लास्ट राउंड एक राउंड विन करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। मार्क 4 बार बार ट्राई कर रहे हैं कि एक ही हेडशॉट से यहाँ पर जो है किस्सा मुख्तसर कर दे, ओ माय गॉड, एम बॉट ने अगेन हेडशॉट, और दो राउंड की लीड फिर एक पे ले आया है यहाँ पर एम बॉट, यहाँ पर राउंड नंबर 9 विन करते हुए 5-4 की सिचुएशन आन खड़ी हुई है यहाँ पर। तो देखना ये होगा क्या मार्क 4 यहाँ पर जो है अगेन दो राउंड की लीड कर पाएंगे या फिर इस मरतबा एम बॉट लीड वाला सिलसिला ही खत्म कर देंगे। ओके, यहाँ पर बॉडी शॉट एम बॉट की जानिब से, मार्क 4 जो अपनी ग्लू वॉल स्पिन,
एम बॉट अगेन 440 HP यहाँ पर जो है मार्कोर की डाउन और हेलमेट यहाँ पर गायब, बहुत ही गंदा वाला हेडशॉट हो गया ये तो, बहुत ही गंदा हेडशॉट यहाँ पर एम बॉट की जानिब देखने को मिला। लेकिन मार्कोर जो के सेकेंड राउंड लास्ट राउंड जैसा कि विन करे थे, एक ही हेडशॉट से 500 HP जैसे फिनिश करी थी इन्होंने, वैसे ही हेडशॉट इनको यहाँ पर मार्कोर को भी मारना पड़ेगा। क्या मार्कोर हेडशॉट मार पाएंगे वो वाला जिससे 500 HP एक साथ जाती है, या फिर यहाँ पर जो है एम बॉट इस मरतबा जो है लीड का सिलसिला खत्म करने वाले हैं। देखना ये होगा कि मार्कोर की ग्लू वॉल स्पीड मार्कोर के साथ देती है कि नहीं, और इस मरतबा मेरे ख्याल से अभी तक साथ दे रही है। मार्कोर काफ़ी तेज ग्लू वॉल स्पीड लगाते हुए अपने आप को सारी बुलेट से बचाते हुए, क्योंकि अब बॉडी शॉट लगना भी मार्कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि हेलमेट तो यहाँ पर ऑलरेडी नहीं रहा। ओ माय गॉड, मार्कोर को अगेन एम बॉट 5-5 बराबर, और यहाँ पर दो राउंड अब रह गए हैं, दोनों प्लेयर्स को दो दो राउंड विन करने हैं। 5-5 की सिचुएशन यहाँ पर जो है लीड वाला सिलसिला एम बॉट एक्स ने यहाँ पर कर दिया बराबर। राउंड नंबर 11 जो कि एम बॉट लास्ट राउंड विन कर रहे थे, और स्टार्ट में अगेन एम बॉट ने फैक्ट्री का राउंड, अगेन हेडशॉट, ओह माय गॉड, दो हेडशॉट एक साथ। यहाँ पर जो है मार्कोर की काफी ज्यादा एचपी कम हो चुकी है, लेकिन हेडशॉट जो है बहुत कम कम के लग रहे हैं यार, 60-70 के हेडशॉट, छोटे छोटे हेडशॉट यहाँ पर जो है एम बॉट की जाने से देखने को मिल रहे हैं, पूरा जो है हेड के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ओह हो, मार्कोर अगेन, जैसा कि इन्होंने अपना राउंड नंबर 4 विन करा था जो है दो नाली और वुड पिकर का यूज मार्कोर की जानिब से, और इस मरतबा हेडशॉट एम बॉट ने स्टार्ट में ही अगेन दे दिया है। और जिस राउंड में एम बॉट एक्स स्टार्ट में हेडशॉट दे देते हैं, ज्यादा चांसेस यही होता है कि एम बॉट एक्स विन कर जाते हैं वो वाला राउंड, लेकिन यहाँ पर मार्कोर जो है वो अपने वन शॉट जो है वाकई में लिटरली 500 HP वाला जो शॉट मारते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है एम बॉट के लिए। तो यहाँ पर मार्कोर को अगेन वही वाला शॉट मारना पड़ेगा जिससे 500 HP एक साथ गायब हो जाती है, पूरी की पूरी बंदा गायब। सो क्या एम बॉट यहाँ पर अगेन हेडशॉट कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एम बॉट ने अगर एक भी जो है 50-50 वाला हेडशॉट भी कनेक्ट करा है यहाँ पर, ओह 6-6 की सिचुएशन बराबर यहाँ पर, यहाँ पर जो है अब दोनों प्लेयर्स पे प्रेशर, और दोनों प्लेयर्स ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। सो देखना ये होगा क्या मार्कोर यहाँ पर विन करते हैं या फिर एम बॉट, क्योंकि लास्ट राउंड है यहाँ पर गाइस, लास्ट राउंड 7-6, क्योंकि जो भी एक प्लेयर यहाँ पर अब विन करा समझो 0-0 हो गया, और एक ही राउंड वाला यहाँ पर मैच लगा है, और देखते हैं अभी एक राउंड यहाँ पे कौन विन करता है, या मार्कोर यहाँ पर विन करेगा या फिर एम बॉट एक्स। यहाँ पर राउंड नंबर 7 में T2 पार्टियाँ चलते हुए, और मार्कोर ने खुद ही एम बॉट एक्स को यहाँ पर जो है जीत दे दी है, और जो है स्पोर्ट्समैनशिप चल रही थी यहाँ पर लास्ट राउंड में, और मार्कोर ने लास्ट राउंड यहाँ पर विन नहीं करा और ना प्ले करा है। 6-6 की सिचुएशन यहाँ पर जो है बराबर, यानी कि दोनों PC प्लेयर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक साबित हुए, और काफ़ी ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है हेडशॉट हमें देखने को मिले दोनों प्लेयर्स की जानिब से, और काफ़ी ही गंदा गेम प्ले। मार्कोर द बेस्ट PC प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, और उनका मुकाबला कर रहे थे यहाँ पर एम बॉट एक्स। सो एम बॉट एक्स ने भी यहाँ पर जो है काफ़ी ही ज़बरदस्त गेम प्ले करा, और मार्कोर जैसे प्लेयर के अगेंस्ट यहाँ पर 6-6 की सिचुएशन यहाँ पर बराबर कर दिए। सो अब आप लोग जो है कमेंट करके नीचे बताना कि नेक्स्ट जो है 1v1 किसके साथ होना चाहिए, कौन सी PC प्लेयर के साथ या कौन सी मोबाइल प्लेयर के साथ एम बॉट एक्स का, और कौन सी नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए 1v1 की। सो अभी के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट ऑल फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। Daddy, yeah, mujhe chhod do, please mujhe chhod do, Daddy, yeah.